आप कुछ बोलना चाहेंगे एक्टर साहब? यहाँ पर कुछ दाढ़ी सेट नहीं हो रही है, बस यहाँ पर फोटो शूट चल रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बियर्ड बॉय मनीष। सो गाइस, मेरी बियर्ड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, सो मैं सोच रहा हूँ कि उन्हें इसके ट्रिम कराया जाए, सेट कराया जाए। सो आज हम जा रहे हैं सैलून, जो कि रोड साइड सैलून होते हैं, हम वहाँ पर जाने वाले हैं और इसे सेट कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि हम बियर्ड सेट कराने जा रहे हैं, सो ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि मेरे अभी भी इन्फेक्शन है, जो फेस पे मेरा इन्फेक्शन हुआ है वो अभी भी है, तो इसलिए मैं बियर्ड तो सेट नहीं करा पाऊँगा। पर मैंने एक लोकेशन देखी है, एक जगह देखी है जहाँ पर मुझे शूट कराना है, सो मेरा मन है वहाँ पर शूट कराने का। सो वो भी एक कॉन्सेप्ट फ़ोटो ही होगा, सो मैं वहाँ पर आज फ़ोटो शूट करने वाला हूँ। सो गाइस, यही वो सैलून है जहाँ पर मेरे को आना था आज, और मैं आ गया हूँ। और आज अंकल मेरी दाढ़ी सेट करने वाले हैं, मेरी बियर्ड सेट करेंगे अंकल। So, देखते हैं अंकल कैसी बियर्ड सेट करने वाले हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? सो गाइस, ये वाली पिक होने वाली है हेयर कट कराते हुए। सो इस पिक को हम लेने वाले हैं सीजर और कॉम्ब के साथ। इस लोकेशन पे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी फ़ोटोज़ को लेने में, सो बहुत डिफ़िकल्ट था यहाँ पर फ़ोटोशूट करना। इस वाली पिक को हम लेने वाले हैं बियर्ड सेट कराते हुए। इस पिक्चर को हम मिरर में लेने वाले हैं हेयर सेट करते हुए, और इसका रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग देखने को मिलेगा आपको। हमने कुछ क्रिएटिव फोटोज की सैलून इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थी। ये पिक्चर भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आई है, आप देख सकते हो रिजल्ट। हे गाइस, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? आप मुझे कमेंट्स में बताना आपको इस टाइप की पिक्चर्स पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, क्योंकि मैं आगे भी और ऐसे कॉन्सेप्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो, क्योंकि आप मेरी ऑडियंस हो और आपकी कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। सो आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये पिक्चर्स पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, फिर नहीं तो हम नेक्स्ट कुछ अलग करेंगे। सो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहीं पर हम ये फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।